सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शालिनी वर्मा आज आपको क्लेंजिंग और प्यूरिफिकेशन के लिए की जाने वाली रिचुअल यानी कि स्मजिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। कई वीडियोस में यूं तो मैं पहले भी स्मजिंग के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हर वीडियो के साथ बहुत सारे मेंबर्स नए जुड़ते हैं जो स्मजिंग को नहीं जानते। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा जो बहुत सारे लोग स्मजिंग क्या है नहीं जानते, तो मैं आज फिर से एक बार बता रही हूँ कि स्मजिंग क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे आपको स्मजिंग करनी चाहिए। देखिए स्मजिंग क्या, इससे हम करते हैं, ये क्या है, हर्ब्स है। यानी स्मजिंग है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सूखी हर्ब्स को जलाकर उसका जो धुआं स्मोक जो होती है उसको हम अपने पूरे घर में घुमाते हैं, जिससे हमारे घर का शुद्धिकरण हो और हमारे घर में निगेटिव एनर्जीज जो भी है, निगेटिविटी जो भी है, वो घर से बाहर हो जाए। तो ये होता है स्मजिंग, यानी सूखी हर्ब्स को जलाना। हर्ब्स हमेशा से रिचुअल्स में यूज होती हैं। बहुत सारी अलग अलग हर्ब्स होती हैं, सेज हुई, लेमन ग्रास हुई, अलग अलग हर्ब को यूं तो हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप अगर सिंपली अपने घर में आपको कुछ भी नहीं मिल पाता है तो आप सेज ले सकते हैं और सेज जलाकर उसका धुआं अगर पूरे घर में जलाएंगे घुमाएंगे तो वो होती है स्मजिंग। अब स्मजिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, दो पर्पस होते हैं स्मजिंग के। पहला पर्पस होता है क्लेंजिंग, दूसरा पर्पस होता है प्यूरिफिकेशन। तो क्लेंजिंग दो पर्पस से आप स्मजिंग कर सकते हैं अपने घर में या करना चाहिए। जब आपको क्लेंज करना हो, यानी घर से किसी की बुरी नजर, निगेटिविटी, गंदी आदतें, निगेटिव सोच, मतलब हर निगेटिव चीज जो आपको लगता है आपके घर में आपके परिवार में गलत है, उसको जब घर से बाहर निकालना है, ब्लैक मैजिक किसी ने आप पे किया है उसको घर से बाहर निकालना है, तो आप करेंगे स्मजिंग। तो ये पर्पस हो गया क्लेंजिंग का। मगर दूसरा भी एक पर्पस होता है प्यूरिफिकेशन का, यानी जब आप पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करना चाहे अपने घर में, आपके घर में निगेटिविटी नहीं है, आप रेकी हीलर हैं, आप हीलिंग करते हैं, आपके घर में निगेटिविटी तो नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि सकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक ऊर्जाएं मेरे घर में अट्रैक्ट हो, तब भी आप स्मजिंग कर सकते हैं। यानी कि स्मजिंग से, स्मजिंग की फ्रेग्रेंस से, स्मजिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हर्ब की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनसे घर में वो चीज क्रिएट होगी जिससे कि पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर में अट्रैक्ट होने लगेगी। तो स्मजिंग के दो पर्पस हो गए, क्लेंजिंग और प्यूरिफिकेशन। अब स्मजिंग आप कब कैसे करना है वो लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इसको जला के आपको समझाऊंगी तो लास्ट में समझाऊंगी। अब स्मजिंग आप कब कब कर सकते हैं, आपके घर में अगर बहुत भारीपन महसूस होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में घुसते ही सर दर्द होने लगता है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा तनाव बना रहता है, तो आपको स्मजिंग करनी चाहिए। यानी कि निगेटिविटी आपके घर में है। निगेटिविटी कैसे आती है, आपके गलत बोलने से। आपस में फैमिली मेंबर्स अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो उससे भी निगेटिविटी आपके घर में आती है। तो उस निगेटिविटी को बाहर करने के लिए आप स्मजिंग करें, हर तरह की निगेटिविटी को घर से निकाल दें। दूसरा, घर में कभी भी कलेश तनाव हुआ हो उसके बाद आप स्मजिंग जरूर करें। स्मजिंग करने से घर का जो वातावरण है पूरी तरह चेंज होने लगेगा। तीसरी चीज, अगर घर में आराम की नींद आप नहीं सो पाते हैं, आपको लगता है बेटर स्लीप के लिए कुछ जरूरत है, थकावट आपकी दूर नहीं होती है, थके थके आप अपने आप को महसूस करते हैं, तो तब भी आपको स्मजिंग की जरूरत है। बेटर स्लीप हमको कब नहीं मिलती, अच्छी नींद हमको कब नहीं आती, जब घर का वातावरण शुद्ध ना हो, क्योंकि दिखता तो हमको कुछ नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और स्पिरिचुअली आप देखें तो कोई ना कोई ऐसी निगेटिविटी घर में जरूर होती है जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे आराम की नींद। तो आराम की नींद के लिए भी आपको स्मजिंग करनी चाहिए। जब आपको लगे घर में स्ट्रेस बहुत है, घर में तनाव बहुत रहता है, घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, तब भी आपको स्मजिंग की जरूरत है। ऐसे माहौल में भी आपको स्मजिंग करनी चाहिए, आपको आराम आएगा। आपको ऐसा शक है कि किसी ने मेरे घर में कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक किया है, या मैं बाहर गई थी तो मुझे किसी की नजर लग गई है, या मेरे घर पे किसी की बुरी नीयत है,
तब भी आप ऐसा स्मजिंग करेंगे आपको आराम आएगा। इसके अलावा आप स्मजिंग कर सकते हैं अपने क्रिस्टल्स को चार्ज और प्रोग्राम करने के लिए। जो भी क्रिस्टल आपने घर में रखे हैं उनको चार्ज और प्रोग्राम करने के लिए भी आप स्मजिंग कर सकते हैं। एयर क्वालिटी घर की अच्छी हो जाती है, यानी घर का वातावरण, जैसे कि कपूर जलाने से घर का वातावरण अच्छा होता है, उसी तरह हर्ब्स को जलाने से भी घर का वातावरण शुद्ध होता है, और शुद्ध वातावरण में रहने वालों का स्वास्थ्य, उनका मूड हमेशा अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है स्मजिंग करने का। इसके अलावा स्मजिंग करने का अगर देखा जाए तो एक दूसरा भी बेनिफिट देखा जा सकता है। स्मजिंग हम हर्ब्स से करते हैं, यानी ऐसी जड़ी बूटियां, हर्ब्स, पत्ते, लकड़ियां होती हैं जो जिनका की बहुत, जिनमें की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आप ये जलाते हैं तो आपके घर से डस्ट हुए, बैक्टीरिया हुए, पॉलेंस हुए, ये सब भी नष्ट हो जाते हैं। तो यानी बहुत सारी बीमारियों से, जो सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब चलता रहता है, इन सब से आपको बचाने का काम भी करता है स्मजिंग। तो स्मजिंग के ये ढेरों सारे फायदे हैं, इनकी वजह से आप स्मजिंग कर सकते हैं। अब स्मजिंग आपको कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूं। देखिए, स्मजिंग के लिए इस तरह से स्मज स्टिक आती है। ये हर्ब्स हैं जो कि धागे से बंधी हुई हैं। मेरे पास सेज है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप जला सकते हैं। तो ये हर्ब्स हैं, सूखी लकड़ियां हैं जो धागे से बंधी हुई हैं। आपने क्या किया, मान लो आपको स्मज करना है, अपने घर से निगेटिविटी निकालनी है, आपने इसको जलाया, देखिए ये धुआं निकलना शुरू। आपको पूरी तरह से आग नहीं लगानी है, आपको केवल ऐसा रखना है कि जिससे स्मजिंग, आपको स्मोक से मतलब है, आपको आग करके पूरी हर्ब को जला नहीं देना है, आपको हल्की हल्की स्मोक आती रहे, बस बस इस तरह से। अगर आप पूरी तरह से आग लगा के इसको जला देंगे तो आपकी स्मज स्टिक तुरंत खत्म हो जाएगी, आप उसका ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हुई। तो ये इस तरह से जला लेनी है आपको, धुआं निकलना शुरू हो गया, थोड़ा और जला लें तो धुआं आए। अब आप स्मजिंग कैसे शुरू करेंगे, देखिए इसमें आप क्या करेंगे, या तो अपने फ्रंट डोर से शुरू कर लें या फिर अपने पूजा घर से शुरू कर लें। तो आप अगर फ्रंट डोर से शुरू करते हैं तो आप ऐसे स्मज लेके जिस भी चीज के लिए आप स्मजिंग कर रहे हैं, मतलब कि आप अगर मान लीजिए निगेटिविटी को हटाने के लिए कर रहे हैं तो आपके मन में थॉट रहना चाहिए कि मेरे घर से हर तरह की निगेटिविटी निकलती चली जा रही है, हर तरह की निगेटिविटी मेरे घर से निकलती चली जा रही है, और जितनी भी बुरी शक्तियां, बुरी एनर्जीज मेरे घर में हैं, जिनकी वजह से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा और तनाव रहता है, वो सारी चीजें दूर हो रही हैं। ठीक है, हर्ब्स हैं तो जलने में थोड़ा सा समय भी लगता है, तो आपको इस तरह से 3-4 बार कम से कम जलाना है जिससे कि ठीक से ये आग पकड़ ले, इस तरह हाथ। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ठीक से धुआं निकलने लगा, आपको धुआं से ही मतलब है, आपको आग से मतलब नहीं है। अगर आग लग भी जाती है तो आपको उसको बुझा देना है, आपको धुएं से मतलब है। अब आपने क्या किया, पहले आप घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये सोचते हुए कि मेरे घर से सब तरह की निगेटिविटी निकलती जा रही है और सारी बुरी शक्तियां, बुरी एनर्जी जो भी मेरे घर में थी सब निकलती चली जा रही है, और लौट के वहीं पहुंच जाइए जहां से शुरू किया है। अगर आपने फ्रंट डोर से शुरू किया है तो फ्रंट डोर से आपने शुरू किया, ऐसे वापस निकलिए, सारी निगेटिविटी निकल रही है, मेरा घर पूरी तरह साफ, शुद्ध, प्योर होता चला जा रहा है। एक बार आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, यानी सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत आपने इस धुएं को घुमाना है, जिसने क्लेंज कर दिया यानी गंदगी निकाल दी। अब आप क्लॉकवाइज घूमिए कि मेरे घर में पूरी तरह शुद्ध पवित्र एनर्जीज आ रही हैं, मेरे घर में हर तरह से पवित्र एनर्जीज हैं, हर तरफ से मेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा अट्रैक्ट हो रही है, और इस धुएं को अपने घर के कोने कोने में घुमाइए। फ्रंट डोर से आपको शुरू करके पूरे घर में घूमना है, पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज घूमना है। आप स्मजिंग करके देखिए, जितनी भी निगेटिविटी आपके घर में होगी आपको इंस्टेंट आराम दिखेगा। जो भारीपन सर में लगता है ना, कि सर में भारीपन लग रहा है, पता नहीं क्यों घर आते एकदम टेंशन लगने लगती है, वो सारी चीजें बाहर हो जाएंगी। आपको स्मजिंग रोज भी करने की जरूरत नहीं है।
अगर बहुत ज्यादा आपको भारीपन लगता है तो शुरुआत में आप हफ्ते में एक बार कर दें या हफ्ते में दो बार कर दें, 15 दिन में आप दो बार कर सकते हैं, महीने में दो बार कर सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत है आप वैसा करें, रोज की जरूरत नहीं है, बस एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएं और दूसरी बार आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है, ठीक है। या तो अपने मंदिर से शुरू करें और या फिर फ्रंट डोर से, जहां से शुरू करें वहीं पर खत्म कर लें। तो इस तरह से होती है स्मजिंग। स्मजिंग से आप चाहें, ये तो घर की स्मजिंग हो गई, आप चाहें तो अपने को भी क्लीन कर सकते हैं, मन में ये इंटेंशन रखते हुए कि मेरी ऑरा पूरी तरह से क्लीन है, मेरी ऑरा में जो भी गंदगी, ब्लॉकेजेस और निगेटिविटी है वो सब निकलती जा रही है, सर से लेके पांव तक इस धुएं से अपने आप को प्योर कर लो। ऐसा कर लो कि आप इस धुएं में नहा रहे हो, हर तरफ धुआं ही धुआं। धुआं ये बहुत कीमती है, हर्ब्स का धुआं है, इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, स्पिरिचुअल इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो साथियों ये होती है स्मजिंग। एक पूरी बर्न करने की भी, जलाने की भी आपको जरूरत नहीं है। जितना देर में आपको अपने घर में पूरे में धुआं आपने कर दिया, अपने अपने आप को स्मज कर दिया, जो चीज क्लीन करनी है, अगर क्रिस्टल्स क्लीन करने हैं तो क्रिस्टल्स को कर लो, कुछ और चीजें भी क्लीन, अगर ऑब्जेक्ट्स भी आप क्लीन कर सकते हैं, कुछ भी आपको काम की चीजें, आपको लगता है मेरी इस फाइल में, इस काम में ब्लॉकेजेस हैं तो उस फाइल को ऊपर लेके क्लीन करो कि जो भी ब्लॉकेजेस इस काम में आ रहे हैं, इस फाइल के काम में आ रहे हैं, मैं उसको क्लीन कर रहा हूं, हटा रहा हूं। देखो सब कुछ इंटेंशन से चलता है। अगर आपका इंटेंशन स्ट्रांग है तो आप कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं। तो आपका इंटेंशन रखिए कि मैं ये चीज क्लीन कर रहा हूं तो वो चीज क्लीन होगी। तो साथियों ये होती है स्मजिंग की प्रोसेस। स्मजिंग आप कभी भी कर सकते हैं, आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो महीने में दो बार भी कर सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत वैसा आप इसका उपयोग करें। एक बार में पूरी स्टिक आपको जलाने की जरूरत नहीं है, उतना देर जलाइए जितने में आपका पूरा प्रोसेस हो जाए, उसके बाद आप इसको बुझाकर रख दीजिए। तो एक स्मज स्टिक ही आपकी काफी दिन चलती है। तो इस तरह से साथियों आप अपने आप को और अपने घर को पूरी तरह क्लीन कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। स्मजिंग जो रेकी हीलर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि बहुत तरह के लोग आपके घर में आते हैं। जब भी आप रेकी का सेशन स्टार्ट करें, खत्म करें, अपने घर को स्मज जरूर कर दें, क्योंकि किसी की भी निगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं रहनी चाहिए, आपके ऑरा फील्ड में नहीं रहनी चाहिए। तो जब भी आप रेकी का सेशन करें स्मज जरूर कर दें, पहले भी करें और बाद में भी कर दें, आप देखिए आपकी हीलिंग पावर भी कई गुना बढ़ जाएगी और आपकी एनर्जी जो है वो भी कई गुना बढ़ जाएगी और पॉजिटिव रहेगी। तो साथियों ये है स्मजिंग। उम्मीद करती हूँ जो लोग नए जुड़े हैं या जो लोग पहले से भी हैं वो बेहतर तरीके से स्मजिंग को समझ पाए होंगे और अब अपने आप को और अपने घर को पूरी तरह शुद्ध रख पाएंगे। मैं शालिनी वर्मा अगले किसी वीडियो में किसी नई टिप के साथ आपके साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।